नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुलाल कुमावत और आप देख रहे हैं कुबेर टेक्निकल गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना जो फैन बॉक्स होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक जब फैक्ट्री में होती है तो किस प्रकार से होती है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी बिजली के कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन जब होता है, बिल्डिंगें बनती है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि हमारी बिजली फिटिंग भी उसमें होनी है। तो बिजली फिटिंग अपन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में कंसील्ड बॉक्स होंगे, मॉड्यूलर बॉक्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें फैन बॉक्स होंगे। तो इनकी जो बनावट होती है वो किस प्रकार से फैक्ट्री में बनाया जाता है, क्या प्रोसेस इनका होता है, वो आज मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ लाइव जयपुर खोराबीसल से आपके साथ के अंदर। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें कि एक फ़ैन बॉक्स को किस प्रकार से अपन फैक्ट्री में बनाते हैं और क्या क्या इसमें मटेरियल लगता है, इसकी मशीनें कैसी होती है, क्या रेट के ये पड़ते हैं और अपने को कितना इसमें मुनाफा हो सकता है। तो वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ में बने रहें। देखिए, काफ़ी सारे यहाँ पे फैन बॉक्स हमारे साथ में बने हुए हैं। ये देखिए, 3 इंची की साइज़ जो शेप इसको होती है, 500 ग्राम और 400 ग्राम के अंदर अभी हमारे पास में ये बने हुए हैं। तो पूरा प्रोसेस देखते हैं, आइए किस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों, अपना जो फैन बॉक्स होता है उसकी जो बाहरी परत जो होती है, सीट लगाई जाती है, उसकी कटिंग यहाँ पे देखिए इस मशीन के अंदर होती है, कटिंग मशीन इसको बोला जाता है। और ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे 1 बाय 1 करके पीस यहाँ पे काटे जाते हैं। देखिए इस प्रकार से कट गए, जो देखिए यहाँ पे नीचे गिर गए, ये इसके टुकड़े काटे गए हैं, सीट चारों तरफ लगाने। दोस्तों, जो सीट हमने काटी है वो सीट के अंदर देखिए यहाँ पे शेप बनाई जाएगी। वायरिंग निकालने के लिए इसके अंदर देखिए इस प्रकार से शेप बनाई जाएगी। ये देखिए, ये भी पावर प्रेस ही है, जिस डिज़ाइन के अंदर अपने को काटनी होती है उस डिज़ाइन को यहाँ पे काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के, देखिए इसमें शेप बन गए हैं डिज़ाइन। दोस्तों, ये वाली जो मशीन है इसके अंदर अपनी जो सीट होती है उसका कोना यहाँ पे काटा जाता है, एक्यूरेट साइज़ में मिलाने के लिए एक कोना यहाँ पे काटा जाता है सीट का। इस वाली मशीन में यहाँ पे कट रहा है, देखिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो ब्लेड अपन ने शेप बनाई थी उसके एक मुंह को यहाँ पे राउंड में किया जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखो इस प्रकार से ये जो ब्लेड है इसके मुंह को गोल बना दिया जाएगा यहाँ से। ये देखिए, इस वाली मशीन में इसको गोल बना दिया है यहाँ पे। अब इन ब्लेड को देखिए यहाँ पे बिल्कुल राउंड में किया जाएगा, ये इस प्रकार से। ये गोल कर दिया यहाँ पे। दोस्तों, ये मशीन है फैन बॉक्स की जो रोड होती है जिसके अंदर पंखा टकता है, उसकी कटिंग की ये मशीन है। देखो दोस्तों, सरिया काटने के बाद में उस सरिये में बेंड करने की मशीन, यहाँ पे बहुत सारे सरिये यहाँ पे काट के रखे हुए हैं जो यहाँ पे अभी बेंड किए जा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से बेंड होते हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि पावर प्रेसें होती है जिनके अंदर मास्क प्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर ये मशीनें काम में आती है। तो इनकी जो डाइयाँ होती है वो इसी शेप में होती है। ये देखिए किस प्रकार से इसकी बनावट हो रही है। ये देखिए, ये सरिया जो है वो इस शेप के अंदर यहाँ पे बन गया है, इस प्रकार से इनको बना दिया गया है। फैन बॉक्स के अंदर ये सरिया लगाया जाएगा
इसको वेल्ड किया जाएगा। देखो दोस्तों, सरिया लगाने के लिए इसमें अब इसको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के द्वारा अपन इसको मोड़ देंगे यहाँ पे, ताकि अपना जो सरिया है वो यहाँ पे लग सके। ये देखिए इस प्रकार से इसको मोड़ देते हैं। दोस्तों अब इसके अंदर अपन ये जो 10 mm का सरिया था वो इसमें अपन लगा देंगे। देखिए सरिया लगा देंगे और इसको वेल्डिंग कर देंगे। ये सरिया वेल्डिंग हो गया इसके अंदर। जिस रोड के अपना फेंक टांगा जाता है उसको वेल्डिंग किया जा रहा है। दोस्तों अपनी ये वाली मशीन जो है वो फैन बॉक्स के ढक्कन बनाने का काम करती है। किस प्रकार से इसके ढक्कन बनेंगे वो भी आप देख पाएंगे। देखिए, क्योंकि फैन बॉक्स का एक मुंह खुला होता है और एक मुंह पे ढक्कन लगा होता है जिसे लीड बोला जाता है। ये देखिए किस प्रकार से इसमें बनते हैं और इसके ऊपर आप देख सकते हैं डाई के ऊपर ही इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका नाम इसमें प्रिंट होता है। ये देखिए नाम इसमें प्रिंट है मैन्युफैक्चरर कंपनी का। ये देखिए किस प्रकार से इनके जो एक सिरा होता है उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको वेल्ड कर देंगे। ये देखिए किस प्रकार से इस ढक्कन को फैन बॉक्स पे वेल्ड करके फिक्स कर दिया जाएगा। दोस्तों फैन बॉक्स पूरा बनाने के बाद में इसको एक भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, इसके ऊपर कलर कर दिया जाता है और बाज़ार में बिकने के लिए फिर ये रेडी हो जाता है। देखिए पैकिंग के लिए फिर यहाँ पे रख दिया जाता है और फिर ये बाज़ार में बिक जाता है। तो दोस्तों फैन बॉक्स की परचेजिंग के लिए भी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आपका नंबर मिल जाएगा, तो आप हमसे संपर्क करके मटेरियल परचेज भी कर सकते हैं। फैन बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स दोनों ही चीज़ों की आप परचेजिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।